खिजर नमाज नहीं पढ़नी? टाइम हो गया नमाज का, खड़ा हो जी। वकास नमाज नहीं पढ़नी ये थी? तो नमाज इतने से 4 मिनट रह गए। अच्छा 2 मिनट बेटा नमाज नहीं पढ़नी? खुद नहीं उठे हैं, फनी जल्दी चल जाओ। 9 बजने में सिर्फ रह गए हैं, 2-4 मिनट रह गए। जल्दी कर, उठ जा ना, उठ जा। किन्ना सोना ही, 9 वाली जमात निकल गई है। मैं भी अभी जागा हूँ, तुम क्यों नहीं जागे टाइम पे? No, work me up. If you work me up 8:30, I don't work everyone up. You always say this. No, I would have though. But I literally, you told me 8:51, yeah, you woke me up. I went to the toilet straight away. Assalamu alaikum. Ta Eid Mubarak, tonu sare nu. Alhamdulillah. रोजे खुजा के खैर फिर असं हम जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने। बॉयज रेडी, कुछ बॉयज जो आ रेडी, पहली गड्डी जा चुके हैं, दूसरी गड्डी मैं मोहतरम कमरान साहब तो खिजर साहब जा रहे हैं। खिजर क्या तू ईद मुबारक बेटा? ईद मुबारक पीपू, क्या रखना आप प्लस ईद इंशाल्लाह। आपको दिखाएंगे कि आप ईद किस तरह मनाते हैं यूके में। वैसे तो कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं होता हमारा, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, उनके घर जाना है, उनको ईद की मुबारकबाद देनी है, थोड़ा बहुत वहाँ से खाएंगे पिएंगे इंशाल्लाह, और बकाया दिन घर में गुजारेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। माशाल्लाह जी, बॉयज नमाज पढ़ के आ चुके हैं। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक कैसा? ठीक है उमर भाई, ईद मुबारक। ठीक हम ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक मैंने कहा। बनाने भैया अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो आप? ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। चलिए घर आज चले। चल हम जा रहे हैं अपने अंडे के यहाँ ईद मिलने के लिए। उस्मान भाई भी तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। उस्मान भाई ने नमाज भी अदा की है। ये मैं झूठा ना बोल रहा? पहल झूठा लाहौरी, उनकी खिजर उनकी तरह की ईद मना रहा है। ईद बड़ी अच्छी जाती है जी, सो फार सो गुड। आए हैं घर, सोते हैं, उठे हैं, अपना दादी के घर जाने पे खाना खाने के लिए। यार क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ईद कैसे जा रही है? ईद तो बहुत अच्छी जा रही है, जब से रोजे खत्म हुए हैं तुम आज लेट उठे हो सुबह, क्या चक्कर है? नहीं यार रूटीन ही खराब हो गई अब रमजान में। कल उठे सुबह रोजे के लिए, एक दिन में रूटीन खराब हो गई है। क्या चक्कर है? पता नहीं यार, जगाना था ना मुझे। हाँ तुम्हारे कपड़े तो दिखो, कपड़े कौन से नाइस पहने? सुबह पहना था मोरक्कन स्टाइल। अच्छा मोरक्कन आदि बाजू वाले। इसी क्या वजह? अच्छे खिजर भाई ने क्या है वो ले, मैंने कहा ठीक है खिजर के पास लिया है। माय गाइस मेरा देखो मोरक्कन स्टाइल बड़ा अच्छा है, फ्रेश ही मोरक्कन। नहीं ब्राको क्या वजह, पाकिस्तानी कपड़े समझ आते हैं, अरेबिक समझ आते हैं, ब्राको की क्या रेलेवेंस बनती है? रीजन व्हाई मैं जो मैं पहनूं पे मोरक्कन आज, पहले मेरी चिट्टी सलवार कमीज से सालन हो गया, सालन फुट हो गया, इसकी वजह से आज मैं मोरक्कन कपड़े पहनना पे। दूसरी वजह से पता नहीं मैंने मोरक्कन कपड़े कभी पहने ही नहीं, आज पहली दफ़ा पहनना पे। इनके मोरक्कन ड्रेस की जो वजह है वो ये है कि कल कपड़े लेने गए थे घर वाले, ये सस्ते लगे थे सबसे ज़्यादा। ये कपड़े जी इसके जो सस्ते लगे थे, मेरे कपड़े थोड़े से महंगे थे, लेकिन घर वालों का चलो मैं थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे बच्चों वाले कपड़े ना, इनके कपड़े बच्चों वाले हैं। देखा ये आपकी नजर है छोटे बाजू में, उम्र बहुत हुआ आपने, ये छोटे बाजू वाले हैं, मेरे पूरे बाजू वाले हैं कपड़े, इनके कपड़े मैंने लिए बच्चों वाले। झूठ बोला पे ऐसी
मोरक्कन ऐसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं फुल जुब्बा ऐसे होता है, मोरक्कन ऐसे पहनते हैं। हम बच्चे नहीं है, ये बच्चे ही है तेजी उस्मान भाई। उस्मान तो बच्चे के कपड़े पाका है बड़े वाले? नहीं मैं तो बड़े भाई दे भाई बड़े भाई दे देखो जी माशाल्लाह सी आज जी पैसे बचाए ने असी बड़े भाई दे कपड़े उस्मान ने बना छड़े ताकि पैसे बच जान। आपके लिए तो इसलिए कपड़े अच्छे वाले आए ना क्योंकि आप फिर रोते धोते भी तो बहुत है। रोता तो नहीं हूँ, धोता तो हूँ मैं, लेकिन रोने वाली बात आपने अच्छी नहीं करी। अब मुझे भी आप ही कुछ बातें बतानी पड़ेगी। रोना धोना काफी होता है तो इसलिए घर वाले ने कहा कि चलो बच्चा ज्यादा रोएगा इससे बेहतर है कि हम जो है वो इसको कुछ चीज ले ही दें। हम जी पहुंच गए अपने अंडी के यहाँ, करेंगे उनसे मुलाकात, ईद मिलेंगे और इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे अपने और रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलने के लिए। पहुंच गए हैं जी अंकल के घर, तो अभी जाएंगे अंदर। ईद के लिए यार एक मैसेज दे दो जो हमारे लोग देखते हैं। ईद के लिए मैसेज है बहुत सारा प्यार मोहब्बतें सबको सलाम ईद मुबारक। खिजर तुम मैसेज मुबारक लड्स पीपल लेडीज जी हमारे खाने पे आ गए बस अल्हम्दुलिल्लाह। मजेदार बच्चे माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं सुना तो कह रहा बच्चे बड़े हो गए थे, वो बड़े नहीं वाले बच्चे ही हैं। देखिए तेरे कपड़े तो अपनी एंकल आते हैं तेरी कुछ हुए चाड़ खां मेरा मुंह मेरा पेट मेरी मर्जी तेनू की तकलीफ है यार थोड़ा खा। तू कभी नहीं खाता रोजे? रोजे आज ही खत्म है। नहीं रोजे खत्म हो गए नहीं। You know guys, Vikashi has a record for eating the most pakore in iftari. Really? Yeah, he's got like 45 or 46 records. I'm telling you, that day he was on the he didn't even read Maghrib namaz that day. He read Maghrib namaz and afterwards he stayed. ये तो नहीं क्यों Maghrib namaz ही पढ़ी पढ़ी थी? थोड़ा late पढ़ी थी पढ़ी थी। उस दिन नहीं पढ़ी थी। दो एक घंटे 30 मिनट की बात पढ़ी थी। जी वकास भाई कैसा रहा खाना? यार खाना बड़ा मजा आया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया था खाना। अच्छा आंटी अंकल मिले माशाल्लाह, वो भी मिले नदीम मिले माशाल्लाह, इधर मिले बड़ा मजा आया। तो हम ऐसे जा रहे हैं घर। यार एडन बढ़िया जबरदस्त गल्ला कर दी है ना। हाँ हाँ वो गेम भी बड़ी जबरदस्त खेलता है, एक दिन उसके साथ गेम का सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस बाद शुरू की थी, लेकिन गेम तो अपनी मजा है। वो आ जाएगी गेम, कोई मुश्किल नहीं है। जब बाहर शुरू की गड्डी बैठो तो घर चलिए। चलो 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 इधर अल्लाह की रहमत बरस रही है। हाँ जी तो मौसम चेंज हो गया अचानक। मौसम चेंज हो गया जी, बारिश हो रही है और लेकिन ये है कि मौसम काफी खुशगवार है आज। अच्छी बात यह कि सर्दी नहीं है। हाँ सर्दी नहीं है, नॉर्मली बारिश ना इतनी सर्दी पौंदी है कि जिद्दी दहा ही नहीं। और मैं बाहर निकलिया ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा है सर्दी आई नहीं है। चलो गड्डी बैठो बस। बॉयज जा रहे हैं हेटफील्ड बारबेक्यू खाने के लिए। मौसम बड़ा अजीबो गरीब हुआ है, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन बॉयज जज्बाती हैं, बॉयज बिल्कुल खाना खाने के लिए तैयार हैं। ये पहले बॉय साहब, ये जी पीछे उमर साहब। हाँ जी तैयार हो? तैयार है यार, जा रहे हैं। अरे भाई आप तैयार हैं? हाँ of course barbecue ke liye. Khizr sahab yeah I'm so excited guys, I haven't had barbecue in a long time, it's going to be very good inshallah. Chale ji boys se aa rahe dost ne bulaya barbecue pe last moment pe lastminute.com last minute hota hai last moment hota hai yaar barab bula le odi meharbani assi ja rahe ha fir tonu dikhane ha barbecue kaisa hunda UK ch oh 20 mausam vich mausam bhi dikhao traffic bhi kafi hai to itna dekh liyo viewers मौसम भी बड़ा अजीबो गरीब होया, ट्रैफिक भी अच्छी खासी है। माशाल्लाह जी बारबेक्यू बनने शुरू हो गए और उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो है वो रेडी हो जाएगा। अह
कर बड़े जालिम वैसे अब मजा आसी खाने का रख दे भाई हाथ दिखाओ हाथ दिखाए यार रात हो गई अभी तक खाना खा रहे हो यार ईद है की हो गया ईद पे भी बंदा खाना ना खा सके तो फिर क्या कब बंदा खाना खाए हाँ रोजा नहीं लग रहा रोजा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र है तीन रोजे पूरे रखे कोई आदत नहीं पड़ी नहीं खाने का यार सच्ची गल है कि ए टाइम है ना और तकरीबन रात 1 बज रहा मैं नॉर्मली भी तरावीह पढ़ के आके कुछ ना कुछ खांदा हस ओए होए और उसकी याद आ जाती है लेकिन फर्क है और मैं पकौड़े खांदा समोसे खांदा बिरयानी वगैरह और मैं खा रहा तुम देख चेक कर रहे हो वाह मीठा खा रहा मीठा बड़ा बेहतरीन बनया और दो प्लेट खा चुके हैं फिर भी दिल करेगा मजीद खावा ओए होए होए लेकिन अज का सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा अलहमदुल्ला बड़ा टायरिंग दिन गुजरिया असी तीन चार दोस्तों ने मिलन गए आंटी अगले घर गए नमाज पढ़ी उस तो बाद असी गए अपने दोस्त यहाँ बारबीक्यू भी किया वह भी तुरंत तुम देखे हो दसना कैसा लगा तुम्हें मौसम नहीं ठीक सी सर्दी बड़ी सी लेकिन बारबीक्यू बेहतरीन सी खा के मजा आया फिर साढ़ा घर दोस्त आए सर लेस्टर तो और उतो बस उन्होंने गप शप लाई खाना शाना खाधा खाना मैं कुछ पाँच छह दफा खाता जिस घर गया खाना खाता जो कुछ साढ़े घर आया तो मैं नाल खाना खाता लेकिन ये एक दिन अच्छा गुजरिया साढ़ी ईद बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह तुम दसना कमेंट सैक्शन एक तुम्हारी ईद किस तरह अच्छी गुजरी तुम्हारे को चाहते हैं इजाजत अज के बिलॉग न कर दें इधर खत्म तो मिलेंगे एक नवी वीडियो अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़।